ओके हेलो नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, राइट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज होता है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब आप कैलकुलस मतलब जब आप कॉलेज वेलेज में जाओगे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी रहती है, ठीक है, या फिर कॉमर्स में या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ना होता है। तो बहुत अच्छे से यहाँ समझ लेना, मतलब ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12, ठीक है। दिस इज पार्ट फर्स्ट, 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन। दीज आर द सोर्सेज वेयर आई पिक द क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा। दीज आर द सोर्सेज वेयर आई पिक फ्रॉम द क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। और एक्सरसाइज 9.3 एंड 9.6 हैज बीन रिलेटेड बाय द सीबीएसई। 9.6 थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है, तो हम 9.6 को भी करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत कम क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरऑल ये बात है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू हैव, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज द फॉलोइंग अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू एन होगी, है ना, जो ये फंक्शन जो है वो होमोजेनियस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एन की वैल्यू क्या पुट करो कि होमोजेनियस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। देखो होमोजेनियस फंक्शन आप तभी कहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में व्हेन द डिग्री ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल, ठीक है, डिग्री ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल, तब जो क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन। अब देखिए इस लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ आपको बताते हैं x की पावर में क्या है 3, तो y के पावर में भी क्या होना चाहिए 3, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है, पावर मस्ट बी सेम। अब देखिए यहाँ तो आपको होगी भैया ये तो एक्स स्क्वायर है, ये पावर ये वाई है, तो देखो यहाँ एक्स और वाई में नहीं देखना, आपको सिर्फ पावर को मेंशन करना है, पावर को देखना है, पावर कितने हैं एक एक एलिमेंट में। तो ये इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं। अब देखो इट डजंट मैटर कि एक्स है या वाई, आप सिर्फ पावर को देखो, बस आपको ओवरव्यू लेना है। एक्स की पावर में 2 और वाई की पावर में क्या है 1, तो 2 और 1 क्या होगा 3, एक्स की पावर में 1 वाई की पावर में 2, तो 2 और 1 क्या होगा 3। तो देख रहे हो ये भी एलिमेंट जो है वो 3 डिग्री को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी क्या है 3 डिग्री को सेटिस्फाई, एक यहाँ पे 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 3। आ रही बात समझ में। अगर सपोज करो सेम क्वेश्चन होता, अगर ये पावर में 4 होता और एकदम सेम क्वेश्चन है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट द होमोजेनियस, क्योंकि ये पावर में क्या है 4 और यहाँ पावर में 3, ये भी पावर में 3, तो इसकी वैल्यू आप क्या लो 3 लोगे कि 4 लोगे, पता ही नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, नॉट होमोजेनियस, ठीक है, दिस इज नॉट होमोजेनियस। तो इस तरीके से हम सर्टिफाई करते हैं, मतलब पावर आपका एलिमेंट का सेम होना चाहिए, ये भी पावर और वो भी पावर, तो एक नंबर का क्वेश्चन है। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 3। नाउ हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये और में है, ठीक है, दिस इज और टाइप ऑफ, फर्स्ट का और है, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस 1 मार्कर में और वाले भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसको अल्टरनेटिव चॉइस कहते हैं। सो हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द इक्वेशन इज गिवन बाय dy / dx -4xy² = y0 × 1। आपको सीधा ही देख के लगेगा कि भैया आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होगा ही नहीं यहाँ पर। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, c की वैल्यू है ना, जब आप इंटीग्रेशन लेते हो तो लास्ट में प्लस c करते हो ना आप। अब देखो प्लस सी यहाँ पे क्यों नहीं होगा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, क्योंकि अब आप x और y की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे फंक्शन में, x और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना y ऑफ 0, y ऑफ 0 का मतलब क्या है x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। चलिए मैं आपको, तो यहाँ से क्या अगर x और y की वैल्यू पुट कर लोगे तो आपके पास c की वैल्यू आएगी, और c का जो वैल्यू आएगा वो आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर लोगे, तो आपके पास कोई भी अननोन बचेगा ही नहीं, तो कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे कि 0 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब ये कैसे होता है ये जरा देख लो आप, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन यू हैव गिवन -4xy², ठीक है, x और y को एक साथ कर लो। हमें पता है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कुछ कुछ स्टेटमेंट हमेशा याद रखने हैं, ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूँ कि डी एक्स वाले को x वाले टर्म्स को डी एक्स के साथ और y वाले टर्म्स को डी वाई के साथ, फिर से बोलो x वाले टर्म को डी एक्स के साथ और y वाले टर्म को डी वाई के साथ नोट करते हैं। सो सी दिस इज डी वाई अपॉन y स्क्वायर, ये y स्क्वायर इधर लाओगे, अब dx को उधर ले जाओ, इंटू डी एक्स माइनस का 4 × x, ठीक है। अब बोथ साइड क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो ये y की पावर में माइनस इंटू में dy इक्वल्स टू -4 कॉमन ले लो, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, ठीक है, -4 × x² / 2 प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -2 + 1 / -2 + 1, ठीक, ये वैल्यू क्या हो जाएगी y^(1/y), और ये क्या हो जाएगा -y, तो 1/y² का क्या हो जाएगा -1/y,
ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, मैं इसको इधर नोट करता हूँ, माइनस का वन अपॉन वाई इक्वल्स टू, है ना, इस वाले पार्ट का आ गया माइनस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का फोर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, अभी आ गया फंक्शन। अब आप क्या करो, एक यहाँ वैल्यू दे रखी है वाई और एक्स की, तो एक्स इजिकल टू जीरो पे वाई की वैल्यू क्या है वन, तो लो भाई एक्स इजिकल टू जीरो पुट करो यहाँ, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, और वाई की वैल्यू क्या आएगी इस पर वन, तो लो माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, सी की वैल्यू माइनस वन। अब ये सी की वैल्यू क्या करोगे, इस वाले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लो, यही सी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू, और सी की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो लो पुट कर दिया। तो आफ्टर पुटिंग दिस सी की वैल्यू इन द इक्वेशन, आफ्टर पुटिंग दिस सी की वैल्यू इन द इक्वेशन, आपके पास तो कोई कोई भी फंक्शन अननोन बचा ही नहीं ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आपने क्या करा, सी की वैल्यू आपके पास आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि आपके पास दे रखा था वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, है ना, ये फंक्शन दे रखा था, इसलिए से हमारे पास सी जो है हम नोन है, दिस इज नॉट अननोन, दिस इज नोन फंक्शन, तो हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे कि नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, या फिर जीरो लिख दोगे, नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन दिस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज थर्ड। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू मेंशन समथिंग अबाउट माय द अर्लियर वीडियोज। ऑलरेडी मैंने चैप्टर फर्स्ट, ठीक है बच्चों, चैप्टर चैप्टर फर्स्ट से फाइव तक मैंने अपलोड कर रखा है क्लास ट्वेल्थ की सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपनी अपने अपने खुद से, मतलब कि इन चीज़ों को निकाला है, जो मैंने यहाँ कोर्सेज बनाया था पी वाई क्यू, है ना, एग्जाम्पलर सैम्पलर क्वेश्चन एग्जाम्पलर एन सी आर टी आर डी शर्मा वो सब चीज़ों से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और ये सारे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप मेरे चैनल सेल्फलेस पीके पर, ठीक है, यूट्यूब पर जाके आप सर्च करो, है ना, तो आपके पास सीधे सारी चीज़ें लाइन में आ जाएंगी, जैसा स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, आप वहाँ से जाके सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लो बच्चे, अभी आपके पास टाइम है, मतलब अभी आपके पास टाइम है। अगर ये टाइम चला गया ना बच्चों, फिर आपके पास टाइम ये नहीं आने वाला है, और आप लकी हो कि मेरी वजह से मैंने समय से पहले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वीडियोस पे। अगर आप नहीं देखोगे तो आपका ही लॉस होगा, मेरा तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मेरे काम का नहीं है, आपके ही काम का चीज़ है। ठीक है, तो प्लीज़ जाएँ और विजिट कर लें सेल्फलेस पीके चैनल पर, यूट्यूब पर सर्च करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए नाउ क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। राइट द सम एंड द डिफरेंसेज ऑफ ऑर्डर एंड द डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब कि आप ऑर्डर फाइंड कर लो और डिग्री फाइंड कर लो, ठीक है, और उसके डिफरेंसेस और सम्स को आप बता दो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, देखो ये क्वेश्चन में ये और में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, और फंक्शन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की द पावर होल क्यूब प्लस डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब टू द पावर स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखें, डिग्री और ऑर्डर को फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आप हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखोगे। किसको देखोगे आप, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास ऑलवेज, जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है तो हमेशा किसको देखोगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, इस लैंग्वेज का मतलब यह है कि कौन सा फंक्शन ज़्यादा बार डेरिवेट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन देखो तीन बार डेरिवेट हुआ है डी थ्री वाई अपॉन डिक्स क्यूब, तो आप हमेशा किस पे फोकस रहोगे, इस वाले फंक्शन पे, और इसके ऊपर ही पावर देखोगे और इसका ही डेरिवेटिव ऑर्डर भी देखोगे, मतलब इसी के ऊपर जो पावर होगा वही क्वेश्चन का ऑर्डर होगा, सॉरी वही क्वेश्चन का डिग्री होगा, और जितनी बार ये डेरीवेट हो रहा है, जितनी बार ये वाला फंक्शन डेरीवेट हो रहा वो उसका ऑर्डर होगा। तो ये मैक्सिमम है, ये देखो ये तो एक ही बार डेरीवेट हुआ, ये दो बार डेरीवेट हुआ, लेकिन ये तीन बार डेरीवेट हुआ। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे बच्चे, इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर इज थ्री एंड डिग्री इज टू, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप डिग्री भी किसके ऊपर ही देखोगे, डिग्री भी आप हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर के ऊपर ही देखोगे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर ये है तो इसके ऊपर वाले डिग्री देखो। ठीक है, तो ये आपका हो गया टू, राइट। तो क्या कह रहा है, डिफरेंसेज, तो डिफरेंसेज का मतलब क्या हो गया, डिफरेंसेज ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर की वैल्यू क्या है वो थ्री और डिग्री की वैल्यू क्या है टू, तो डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा वन, डिफरेंस हो गया वन, और सम बता रहा है तो सम देखो, ऑर्डर एंड डिग्री का थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, तो वन और फाइव इज योर आंसर। ठीक है, वन और फाइव इज योर आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू इक्वल्स टू के इन टू डी टू अपॉन डी। अब ये क्वेश्चन में
है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आप फंस जाओगे। ये और में दे रखा है ये क्वेश्चन, यहाँ क्या आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन का अगर आपको ऑर्डर और ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है, देन फंक्शन मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर फंक्शन। सेकेंड शॉर्ट ट्रिक आप याद कर ले कि फंक्शन ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए फंक्शन जो है ओवरऑल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फंक्शन, पॉजिटिव इंटीजर डिग्री, पॉजिटिव इंटीजर डिग्री या फंक्शन। मतलब पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर डिग्री होना चाहिए। मतलब पॉइंट्स में नहीं चलेंगे ये, 3/2, 1/2 ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होगा तब आप उसका डिग्री और ये सब चीज़ें फाइंड कर पाओगे, राइट। चलिए तो ये 3/2 यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा ना, इस चीज़ को अगर आप एलिमिनेट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए बच्चे ये 3/2 है ना, 3/2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो 1+dy/dx का स्क्वायर टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 है ना, इस पावर का होल स्क्वायर मतलब इंटू में 2 चला जाएगा, के इंटू d2/y इंटू dx स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। देखो टोटल पार्ट हो गया ना इसका, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 1+dx^2 और होल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 = k(d2y)/dx। अब मैंने क्या बोला, ऑर्डर और डिग्री किसका देखते हैं हम हमेशा, ऑर्डर डिग्री किस, अभी अपने शॉर्ट ट्रिक बताया कि ऑर्डर डिग्री किसका देखोगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी के ऊपर डिग्री देखोगे और उसी का ऑर्डर देखोगे। तो ये बच्चे क्या है, d2y/, देख लो जरा स्क्रीन में आ भी रहा है या नहीं, आ रहा है। अब देखो ये मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कौन है, ये वाला फंक्शन मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, कितनी बार हुआ है, 2 बार, और इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो मतलब जितनी ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है उसके ऊपर ही पावर देखो, तो उसका पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2, बस हो गया आंसर, यही आपको निकालना था, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना था, ठीक है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। अगर आप एक दो एग्जाम्पल और देखना चाहें, अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि तो मैं एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, x इंटू ये ऐसे एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, टू दी पावर स्क्वायर प्लस dy/dx टू दी पावर 4+y² = 0। इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3 बार ये डेरिवेटिव हुआ है ना, तो इसी के ऊपर पावर और इसी का ऑर्डर देखो, ठीक है। तो हाईएस्ट बार ये डेरिवेट हुआ है, तो ऑर्डर कितने हो गए, ऑर्डर का मतलब क्या, 3 बार डेरिवेट हुआ है, ये फंक्शन क्या है 3 बार, ये तो एक ही बार डेरिवेट हुआ है, तो ये क्या हाईएस्ट है क्या, नहीं हाईएस्ट तो ये वाला है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये डेरिवेट हुआ है, ये थोड़ी हुआ, ये तो एक ही बार डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका डिग्री भी देखोगे, तो इसकी डिग्री क्या है, इसी वाले फंक्शन की डिग्री क्या है, 2, तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 2। अगर आप सपोज कर लो बच्चे, एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिल जाए लाइक d2y/dx² इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए, लॉग dy/dx, देखो d2y/dx² = x log into dy/dx, इसका मतलब क्या है कि लॉग में dy/dx है, और कोई भी फंक्शन अगर लॉग में dy/dx है तो फंक्शन का देखो ऑर्डर तो इसका ठीक है कि ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री विग्री डिफाइन नहीं होगा इस चीज़ का, डिग्री क्या है, नॉन डिफाइनेबल, समझ रहे हो, क्योंकि लॉग में अगर कोई फंक्शन होगा, लॉग में अगर कोई फंक्शन होगा तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिफाइनेबल नहीं है, लेकिन ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। अब देखो क्या सिर्फ अब बोलोगे सर क्या इस टाइप के ही क्वेश्चन में, नहीं, अगर आपके पास e^(dy/dx) भी क्वेश्चन में आ रहा है, e^(dy/dx), देखो जैसे यही क्वेश्चन होगा और यहाँ पे लॉग की जगह लॉग dy/dx की जगह क्या होगा e^(dy/dx), तो भी ये फंक्शन क्या होगा, इसकी डिग्री डिफाइनेबल नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइनेबल क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करता है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन पाता है। आप डायरेक्ट याद रख लो कि e^(dy/dx) दिखेगा तो भैया वो डिग्री इसका डिफाइनेबल नहीं है, लॉग में दिखेगा तो डिग्री डिफाइनेबल नहीं है, या फिर sin dy/dx दिखेगा तो भी डिग्री डिफाइनेबल नहीं है, cos dy/dx दिखेगा तो भी डिग्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक में कोई भी एंगल में अगर dy/dx होगा तो उसकी डिग्री डिफाइनेबल नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें,
फाइंड द इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन कॉस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू वन। इसका इंटीग्रल फैक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर यहाँ ऐसे छूटा हुआ है, दिस इज इंटीग्रल फैक्टर, मतलब आई एफ आपको फाइंड। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंटीग्रल फैक्टर के लिए आपको याद हो इसका जो लीनियर इक्वेशन जो बनता है, लीनियर इक्वेशन जो बनता है इस टाइप, इंटीग्रल फैक्टर के लिए जो लीनियर इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, जो एक फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट, उसको क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब कि जैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप पहले क्या करोगे, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन में आप पहले क्रिएट करोगे। ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, इसमें इस टाइप से आप इसको, इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो y का मल्टीपल होगा, जो y का मल्टीपल क्या है यहाँ p, तो ये वाले फंक्शन में, इस वाले, ये जो p है, इस p को आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होगा इंटीग्रल फैक्टर का, हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर का एक फॉर्मूला होगा जिसमें e टू दी पावर में यही ये वाला p और इंटू में dx, इंटू में dx। इंटीग्रल फैक्टर का क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ, जो y का मल्टीपल क्या है, p, तो इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, ये होगा आपका इंटीग्रल फैक्टर। तो बहुत ईजी है, याद कर लो इस चीज़ को कि भैया जो भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा हमको इंटीग्रल फैक्टर का, तो इसका जो लीनियर इक्वेशन होता है, जो लीनियर यूनिवर्सल इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हमें किससे मतलब है, हमें पी से मतलब है। पी कौन है भैया, वाई का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, पी। वाई का मल्टीपल क्या होगा, पी, पी। अब इंटीग्रल फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू, अब p की वैल्यू जो आएगी उसको पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो बच्चे मैं आपको याद भी करा रहा हूँ सिंपल, एक्चुअली में ये जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, वो एक्चुअली में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपके पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा देता है, ठीक है। वन मार्कर रिवाइज करा रहा हूँ, टू मार्कर रिवाइज का, सबके सेपरेट वीडियोज डले हुए हैं, ठीक है। तो आप जाइए उन सबको देखिए, और इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको रिवीजन करा रखी है, एक्चुअली में रिवाइज ही हो रहा है चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए, पहले इस क्वेश्चन को बना लूँ मैं इस टाइप से, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीपल क्या होना चाहिए, वन। तो भैया ये कॉस एक्स को एलिमिनेट करो, हटाओ इसको, तो कैसे हटाओगे आप, कॉस एक्स क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर लो, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वन, कॉस एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू, अदर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई कॉस, वन बाई कॉस क्या हो सकता है, वन बाई कॉस इज इक्वल टू के, हो गई बात खरा। अब देखिए वाई का मल्टीपल क्या है बच्चे, टेन, वाई का मल्टीपल क्या है, टेन एक्स, लेकिन क्या सिर्फ टेन एक्स लोगे यहाँ पे, नहीं, आपके आगे क्या है, माइनस, और मैंने क्या लिख रखा है, प्लस। तो ये इस चीज़ को, माइनस को आप क्या बनाओगे, प्लस, माइनस को क्या बनाओगे, प्लस। तो पी की टोटल वैल्यू आप क्या लोगे, पी की टोटल वैल्यू यू विल टेक माइनस का टेन एक्स, ठीक है। क्यों माइनस टेन एक्स, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये प्लस में है, तो आप इस, अगर पी की वैल्यू माइनस टेन एक्स लोगे तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो क्या करोगे, पी की वैल्यू माइनस टेन एक्स आप चूज करोगे, राइट। नाउ इस फॉर्मूले में आप पुट कर लो, इस फॉर्मूले में पुट कर लो, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या है, माइनस का टेन एक्स इंटू में डी एक्स, और आपको पता है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंट, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज log log cos माइनस log cos x। देखो दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है माइनस log cos x tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक सेकेंड वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है log of sec, इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है, इसमें माइनस नहीं होगा। तो चलो हम यहाँ नोट कर लेते हैं e टू दी पावर, मैं cos वाला ही नोट कर लेता हूँ, या फिर जो भी मैंने वो कर लो, तो दोनों के आंसर सेम आएगा। तो ये माइनस, माइनस तो एक ऑलरेडी है हमारे पास p की वैल्यू, और एक माइनस आएगा फ्रॉम द फॉर्मूला, टेन एक्स का क्या होता है, लॉग कॉस एक्स, तो ये हो गया लॉग और ये हो गया कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो e टू दी पावर में लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो e, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है ना, e की पावर में लॉग है, और ये अगर बेस में कुछ भी नहीं हो तो e होता है, तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाता है, वन, तो योर आंसर इज व्हाट, x, ठीक है। तो ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, ये टोटल वैल्यू, आंसर इज योर कॉस एक्स। तो आपका इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया, कॉस एक्स। रिवाइज कर लो बच्चे, अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें करा दी है ना, अच्छे से देख लो इसको, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
वेयर इक्वेशन इज गिवन बाई एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन वेन वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना इट मीन्स आपको क्या करना है, वहाँ पे प्लस का सी करोगे। और एक चीज़ याद रखें, इंटीग्रल फैक्टर में प्लस सी नहीं करोगे। इंटीग्रल फैक्टर में क्या मैंने इस फॉर्मूले में प्लस सी नोट करा क्या? नहीं करा ना, तो आप भी नोट नहीं करोगे इंटीग्रल फैक्टर में। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रल फैक्टर पूछा था इसलिए मैंने इंटीग्रल फैक्टर बताया। ठीक है ना, बाकी इसका एक एक्सपेंशन फॉर्म हम नेक्स्ट 5 मार्कर वाले में देखेंगे। अभी तक आप इतना ही रहने थे, फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू दिस। चलिए हम क्या, मैंने आपको क्या बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन इधर दिखेगा, आप सीधे आपके माइंड में क्या आना चाहिए सबसे पहले कि भैया एक्स वाले को डी एक्स के साथ और वाई वाले को डी वाई के साथ। चलो वही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, एक्स वाले को डी एक्स के साथ और वाई वाले को डी वाई के साथ। तो चलो डी वाई को उधर ही रहने दें, डी एक्स को मैं उधर ले जाता हूँ और ये एक्स को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई में नहीं रहेगा ना, वाई डी एक्स के साथ जाएगा। अब बोथ साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भैया इंटीग्रेशन तो लेना ही पड़ेगा ना। अब दोनों, जैसे ही आप x को डी एक्स के साथ और डी वाई को y के साथ करोगे, ये काम खत्म करने के बाद दोनों का इंटीग्रेशन ले लो। तो y हो गया, डी वाई का क्या हो जाएगा, दिस y, और 1 अपॉन log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x, और लास्ट में क्या करोगे, प्लस का c। यहाँ प्लस का c दोगे, ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर में प्लस c नहीं होता, नहीं होता, याद कर लो। ये हो गया आपके पास आंसर। अब एक चीज़ यहाँ दे रखा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला बात है ना, कि क्यों दे रखा है, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि सी जो है वो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। सी की कोई वैल्यू आएगी और उसको पुट करो और वो इक्वेशन आप बताओ जहाँ पे सी एलिमिनेटेड हो, सी की कोई वैल्यू आ जाए, है ना, वो चीज़। मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं होना चाहिए, सी का कोई वैल्यू पुट करो। तो चलो पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू, और वाई की, एक्स की वैल्यू जीरो पे, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वन पे, सॉरी एक्स की वैल्यू वन पे, वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो चलो y इक्वल्स टू जीरो, देखो y इक्वल्स टू जीरो और x की वैल्यू क्या है, वन, तो log वन प्लस का c। ठीक है, तो log वन की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। log वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो c इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। तो भैया c की वैल्यू होगी जीरो, तो अब ये c की वैल्यू क्या करो, इस वाले इक्वेशन फर्स्ट अगर आप इसको सपोज करते हो तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर लो, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, जीरो। तो योर फाइनल आंसर इज, अब जीरो है तो इसको हटा दूँ मैं, है ना, योर चलो नोट ही कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू log, दिस इज योर फाइनल पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में याद रखें c को एलिमिनेट करना होता है, c को एलिमिनेट करना होता है, और एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, dy वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स टू दावर 1/3, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए ये वाला पार्ट को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो ना, y टू दी पावर 1/3 और x टू दी पावर 1/3, बात बराबर है। अब मैंने क्या बोला, x को डी एक्स के साथ लो, x को डी एक्स के साथ लो। अब ये देखो y ऊपर है तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/y टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू डी एक्स इंटू, ये तो ऑलरेडी यहीं पर रहेगा, x टू दी पावर 1/3। ठीक है, अभी इस पार्ट को आप ऊपर लेके जाओ, है ना, नेक्स्ट वाला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ इधर, नेक्स्ट पार्ट y टू दी पावर माइनस का 1/3, इस पार्ट को ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू डी एक्स, बोथ साइड टेक इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला, डी एक्स वाले को एक्स के साथ करोगे, वाई वाले को डी एक्स वाई के साथ, उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन का काम। प्रोसेस ऐसे ही याद रखो, यही प्रोसेस है। सो वाई टू दी पावर माइनस का 1/3 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/3 प्लस का 1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस का 1 माइनस 1/3 प्लस का 1 और लास्ट में प्लस। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वाई टू दी पावर, दिस इज 2/3 और अपॉन में क्या है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि 3 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2/3 और ये भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का सी। इसमें सी रहेगा क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में सी को एलिमिनेट नहीं करते, जनरल सॉल्यूशन में सी को एलिमिनेट नहीं करते, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सी को एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चे, मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन ये क्वेश्चन बने थे जो 1 मार्कर थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो मैंने कोशिश करा आपको समझाने का, अगर आप चाहो तो रिवाइज कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही आएगा, रिवाइज कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही आएगा सबसे पहले आंखें बंद करो और ऐसे सोचो, डिफरेंशियल इक्वेशन देखा आपने,
क्वेश्चन में देखते ही हमें दिमाग में आया क्या क्या था वहाँ पे, ऑर्डर था, डिग्री था, ऑर्डर था और डिग्री था। तो ये दोनों चीज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। किसको देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है उसमें, उस इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेट हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही जितनी बार वो डेरिवेट होगा उसी उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर। और उसके उसी के ऊपर जो पावर होगा वो क्या होगा, आपका डिग्री। एक ही वर्ड याद रखे, हाईएस्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर के ऊपर ही आप ऑर्डर देखोगे और उसका डिग्री उसी पे देखोगे। दूसरी बात कि आपको पॉजिटिव इंटीजर, अगर इक्वेशन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब पावर में 1/2 है, पावर में 3/2 है, 5/2 है, 6/9 है, तो सबसे पहले क्या काम है कि आप उस चीज़ को कन्वर्ट करोगे पॉलिनोमियल इक्वेशन में। उस चीज़ को किस में कन्वर्ट करोगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स में बनाओगे, मतलब कैसे भी आप तिक्रम लगाओ के सबको एक पॉजिटिव इंटीजर में लेके आ जाओ। मतलब इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेके आओ, 1/2, 3/4 ऐसे नहीं होना चाहिए, 5/2 ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर में मैंने क्या करा भैया, इंटीग्रल फैक्टर देखा, सबसे पहले स्ट्रक्चर दिमाग में आया, क्या स्ट्रक्चर था, dy/dx + py = q, ये स्ट्रक्चर आया। एक और स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है क्या, dx/dy + dx/dy + p × x = q, p × x =, दो फॉर्मेट होते हैं। अभी आप एक याद रखें क्या, dy/dx + py = q। p क्या है, p का यूज़ कहाँ करोगे, इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूले में यूज़ करोगे, है ना। इंटीग्रल फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा उसमें यूज़ करोगे। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला दिमाग में आता है e^2 में, दिमाग में आना चाहिए, e^2 में इंटीग्रेशन ऑफ p × dx, e^2 में इंटीग्रेशन ऑफ p × dx। उस p की वैल्यू आप क्या करोगे, वहाँ पे पुट कर लोगे, p की वैल्यू वहाँ पुट करोगे तो आपके पास बन जाएगा, है ना, वो चीज़ बन जाएगी, तो आप वहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे पास। फिर मैंने बोला आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा, c को एलिमिनेट करोगे, प्लस का जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना c, इसको आप एलिमिनेट करोगे। फिर आप देख लो जनरल सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन जैसा आ रहा है आंसर वैसे ही रहने दोगे, c को एज इट इज छोड़ दोगे, राइट। तो ओवरऑल यही रिवीजन था आपका, तो बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए, है ना, बाकी आप हमारे चैनल पे जाके सेल्फलेस पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो रखी है ऑलरेडी, 1 to 5 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, इनडेफिनिट इंटीग्रल भी अपलोडेड है ना, तो आप जाके देखें सारी चीज़।